हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेआर टेक क्लासेस। दोस्तों, फर्स्ट पार्ट में आपने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल का जो क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करवा रहा था आपको इलेक्ट्रिशियन का, उसमें मैंने 40 क्वेश्चन आपको कवर करवा दिए थे दोस्तों। और अब देखेंगे हम नेक्स्ट 40 क्वेश्चन, तो टोटल जो 80 क्वेश्चन है वो दोस्तों कवर हो जाएंगे हमारे इस क्वेश्चन पेपर के। तो ये इसका टेक्निकल पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड पार्ट दोस्तों पूरा पार्ट जरूर देखिए। यदि आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है दोस्तों तो वो आप जरूर देखिए। सेल का उसका मैं इलेक्ट्रिशियन का सॉल्व करवाया, वो आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे। आप वहाँ से जाके, और इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट। यदि आप सारे क्वेश्चन देखेंगे तभी आपको इस चीज़ें समझ में आएंगी कि इस क्वेश्चन पेपर में, जो सेल का क्वेश्चन पेपर होता है ITI का, इलेक्ट्रिशियन लेवल का, उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पूरा क्वेश्चन पेपर जरूर देखना चाहिए दोस्तों। ये सेकंड पार्ट है, आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हमारा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। PKR टेक क्लासेस, PKR टेक क्लासेस को। दोस्तों शुरू करते हैं। सॉरी, हाँ तो दोस्तों 40 क्वेश्चन जैसे कि आपको बताया मैंने, कंप्लीट करवा चुका था इसके, और उसके बाद हमें देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 41 क्वेश्चन, और 41 क्वेश्चन का दोस्तों क्या बोल रहा है, हाउ मैनी लिम्स आर देयर इन द कोर ऑफ अ सेल टाइप ट्रांसफार्मर इज। तो सेल टाइप ट्रांसफार्मर के जो लिम्ब होते हैं उसमें कितनी लिम्स होती हैं उसकी कोर में। तो दोस्तों कितनी लिम्स होती हैं, थ्री। कितनी लिम्स होती हैं, थ्री लिम्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, क्लिप ऑन टाइप मीटर इज ऑल्सो कॉल्ड। जो क्लिप ऑन टाइप मीटर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मैगर बोलते हैं, एनर्जी मीटर बोलते हैं, टैकोमीटर बोलते हैं, या फिर टोंग टेस्टर बोलते हैं। तो क्लिप ऑन टाइप मीटर को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, टोंग टेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, इंटरपोल्स आर मीन्ट फॉर, इंटरपोल्स आर मीन्ट फॉर, फर्स्ट ऑप्शन इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ मोटर, डिक्रीजिंग दी काउंटर EMF, रिड्यूसिंग स्पार्किंग एट दी कम्यूटेटर, कन्वर्टिंग आर्मेचर करंट टू DC। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है और अक्सर मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है वो क्या है, रिड्यूसिंग स्पार्किंग एट दी कम्यूटेटर। क्वेश्चन नंबर 44, ब्रशेस ब्रशेस ऑफ DC मशीन आर मेड ऑफ कार्बन, हार्ड कॉपर, एल्यूमिनियम, नाइक्रोम। तो जो ब्रश होते हैं और DC मशीन के, वो किससे के बने होते हैं, वो तो बने होते हैं दोस्तों कार्बन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, दी रिकमेंडेड क्रीपेज डिस्टेंस फॉर इंसुलेटर इन हैवली पॉपुलेटेड एरिया आर। तो जो हैवली पॉल्यूटेड एरिया है, पॉपुलेट सॉरी पॉपुलेटेड बोल गया मैं, पॉल्यूटेड है। तो जो हैवली पॉल्यूटेड एरिया होते हैं उनमें क्रीपेज कितना होता है मिनिमम, ये होता है आपका 25 mm पर kV, 25 mm पर kV। नेक्स्ट है 46, क्वेश्चन नंबर 46, अल्टरनेटर्स आर रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अल्टरनेटर किस में, अल्टरनेटर की जो रेटिंग होती है वो किस में होती है, BHP में, HP में, KJH में, या फिर KBA में, या फिर MBA में। तो दोस्तों ये KBA और MBA एक ही चीज़ है, ठीक, बस यूनिट का थोड़ा, यूनिट क्या है इसमें, क्वांटिटी की फर्क हो जाती है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है हमारे, अल्टरनेटर की रेटिंग होती होती है KBA में, और यदि हाई रेटिंग का है तो किस में होगी, MBA में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, क्वेश्चन नंबर 47, सॉरी, एन इंडक्शन मोटर इज जर्नल इज एनालॉगस टू। जो इंडक्शन मोटर होती है वो किसके एनालॉगस होती है, एन ऑटो ट्रांसफार्मर, आ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर विथ इट्स सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन सर्किट, आ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर विथ इट्स सेकेंडरी वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट, या फिर आ थ्री फेज वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो जो इंडक्शन मोटर होती है किसके एनालॉगस होती है, ये होती है जनरली आ थ्री फेज वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंसुलेटर इज एम्प्लॉयड टू इंसुलेट द लोअर पार्ट ऑफ द गाई वायर फ्रॉम द पोल फॉर द सेफ्टी ऑफ पीपल। दोस्तों आपने देखा होगा यदि पोल है, इसके स्टेबिलिटी के लिए क्या है, एक वायर कनेक्ट होता है, तो इसमें जो बीच में एक इंसुलेटर यूज होता है, हम इसका नाम क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है।
तो इसका इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एग और स्टे इंसुलेटर, एग इंसुलेटर बोलते हैं या फिर स्टे इंसुलेटर बोलते हैं, तो इसका नाम क्या होगा, एग और स्टे इंसुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 का है, द डमी कॉयल ऑफ डीसी मशीन इज यूज टू एलिमिनेट द वोल्टेज, एलिमिनेट रिएक्टेंस वोल्टेज, एलिमिनेट आर्मेचर रिएक्शन, ब्रिंग अबाउट मैकेनिकल बैलेंस ऑफ आर्मेचर, एलिमिनेट हार्मोनिक्स डेवलप इन दी मशीन। तो डमी कॉयल किस लिए यूज करते हैं, मैकेनिकल बैलेंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 50, द क्रीपिंग एयर इन सिंगल फेज एनर्जी मीटर कैन बी मिनिमाइज बाई, जो क्रीपिंग एरर है वो किससे हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं सिंगल फेज एनर्जी मीटर में, एडजस्टिंग स्पार्क वर्किंग मैग्नेट, एडजस्टिंग दी शेडेड बैंड, यूज ऑफ शॉर्ट सर्किट लूप ऑन दी आउटर लिम्स ऑफ दी सेंट मैग्नेट, या फिर ड्रिलिंग टू होल्स इन द डिस्क ऑन दी अपोजिट साइड ऑफ दी स्पिंडल। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 51। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स आ केबल अगेंस्ट आर मैकेनिकल इंजरी, मैकेनिकल इंजरी से में से कौन सा चीज बचाती है, वेडिंग, सीथ, आर्मरिंग या फिर सर्विंग। राइट आंसर इज आर्मरिंग। क्वेश्चन नंबर 52, फिलामेंट्स लैम्प ऑपरेट एट यूनिटी पावर फैक्टर 0.707 लेड, 0.770 लैग या फिर 0.5 लेड। दोस्तों फिलामेंट लैंप होते हैं किस पे ऑपरेट होते हैं, यूनिटी पावर फैक्टर पर। क्वेश्चन नंबर 53, द कैपेसिटी ऑफ अ रेफ्रिजरेशन यूनिट इज मीजर्ड इन, तो जो रेफ्रिजरेशन यूनिट की कैपेसिटी है वो किस में मेजर करते हैं, टन में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, डेसीबल में, आरपीएम में। दोस्तों ये किस में मेजर करते हैं, टन में। आपने देखा हो एसी कितने टन की होती है, इस तरह से लोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्ड सोल्डर, इनमें से हार्ड हार्ड सोल्डर क्या है, लेड टिन, लेड सिल्वर टिन या फिर लेड सिल्वर या फिर कॉपर जिंक। तो लेड टिन क्या है, ये तो आपका सॉफ्ट सोल्डर होता है, और कॉपर एंड जिंक क्या क्या होता है, ये हार्ड सोल्डर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, एट स्टैंड स्टिल कंडीशन ऑफ एन इंडक्शन मोटर दी वैल्यू ऑफ स्लिप इज, स्टैंड स्टिल कंडीशन में जो वैल्यू ऑफ स्लिप होती है वो कितनी होती है, 1 होती है, क्योंकि इस कंडीशन में स्लिप 100% होती है, रोटर आपका स्टेबल रहता है और ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज सिमिलर टू, सिंक्रोनस मोटर का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो किसके सिमिलर होता है, डीसी कंपाउंड मोटर के, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के, डीसी शंट जनरेटर के या फिर अल्टरनेटर के। तो राइट आंसर इज अल्टरनेटर। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज यूज इन द मिक्सर, तो मिक्सर में कौन सी मोटर यूज की जाती है, रिपल्सन मोटर, रिलक्टेंस मोटर, हिस्टेरेसिस मोटर या फिर यूनिवर्सल मोटर। राइट आंसर इज यूनिवर्सल मोटर। क्वेश्चन नंबर 58, ड्यूरिंग स्टार्टअप्स ऑफ रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर द सेंट्रीफ्यूगल स्विच डैश अंटिल द मोटर स्पीड अप, तो इसमें बताना हमें जो स्टार्ट ऑफ रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर के स्टार्टअप के कंडीशन में सेंट्रीफ्यूगल स्विच की कंडीशन क्या होती है, क्लोज एंड कनेक्ट द स्टार्टिंग वाइंडिंग ओनली, क्लोज एंड कनेक्ट द रन वाइंडिंग रन ओनली, ओपन एंड डिसकनेक्ट द रन वाइंडिंग या फिर ओपन एंड डिसकनेक्ट द स्टार्ट वाइंडिंग। राइट आंसर इज क्लोज एंड कनेक्ट द स्टार्ट वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, इफ द कैपेसिटर ऑफ अ सिंगल फेज मोटर इज शॉर्ट सर्किटेड देन मोटर विल बी नॉट स्टार्ट, रन इन द सेम डायरेक्शन, रन एट रिड्यूस स्पीड, रन इन रिवर्स डायरेक्शन। राइट आंसर इज नॉट स्टार्ट, यदि कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो सिंगल फेज मोटर स्टार्ट नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 60, इन थ्री फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर द रोटर कंडक्टर्स आर, हमें बताना है थ्री फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में जो रोटर कंडक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, कैप्ट ओपन ओपन होते हैं, शॉर्ट सर्किटेड थ्रू स्लिप रिंग,
शॉर्ट सर्किटेड थ्रू एंड रिंग कनेक्टेड टू इंसुलेशन। राइट आंसर इज शॉर्ट सर्किट थ्रू एंड रिंग्स। क्वेश्चन नंबर 60। द डार्क एंड ब्राइट लैंप मेथड इज यूज्ड फॉर डैश इन अल्टरनेटर। तो जो डार्क एंड ब्राइट लैंप मेथड यूज करते हैं वो किस लिए कहते हैं? लोड बैलेंस के लिए, लोड ट्रांसफर के लिए, प्रोवाइडिंग मैकेनिकल स्ट्रेंथ या फिर सिंक्रोनाइजेशन। राइट आंसर है सिंक्रोनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 62। इफ द स्पीड ऑफ एन अल्टरनेटर इफ द स्पीड ऑफ एन अल्टरनेटर इज रिड्यूस्ड बाई हाफ इट्स जनरल जनरेटेड ईएमएफ विल बी। यदि अल्टरनेटर की स्पीड हाफ कम कर दें तो इसका जनरेटर ईएमएफ होगा उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? डबल हो जाएगा, ट्रिपल, वन हाफ, वन थर्ड। राइट आंसर इज वन हाफ। क्वेश्चन नंबर 63। द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ द रोटेटिंग स्टेटर फील्ड एंड रोटर इज टर्म एज स्लिप, पिच, मॉड्यूल, रेंज। तो राइट आंसर इज स्लिप। क्वेश्चन नंबर 64। अ 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर हैज अ फुल लोड स्पीड ऑफ 1440 RPM। द नंबर ऑफ पोल्स इन द मोटर इज। तो दोस्तों हमें बताना है इसमें नंबर ऑफ पोल्स क्या होंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है आपने देखा होगा, NS इक्वल टू 120 F/P। इसमें आप वैल्यू रख दीजिए तो आपको P की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 4। P की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 4 मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। अ सेडेड पोल मोटर सेडिंग कॉइल आर प्रोवाइडेड टू। इन अ सेडेड पोल मोटर सेडिंग कॉइल आर प्रोवाइडेड टू। सेडिंग पोल मोटर में सेडिंग कॉइल किस लिए प्रोवाइड की जाती है? रिड्यूस वाइंडिंग लॉस, रिड्यूस फ्रिक्शन लॉस, रिड्यूस रोटेटिंग प्रोड्यूस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्पार्किंग। राइट आंसर इज प्रोड्यूस रोटेटिंग मैग्नेट फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है? द आर्मेचर ऑफ डीसी जनरेटर इज लेमिनेटेड टू रिड्यूस हिस्टेरेसिस लॉस, रिड्यूस एडी करंट लॉस, प्रोवाइड एयर कूलिंग पासेस, रिड्यूस फ्रिक्शन लॉस। राइट आंसर इज रिड्यूस एडी करेंट लॉस। क्वेश्चन नंबर 67। द थ्री टर्मिनल ऑफ अ बाईपोलर ट्रांजिस्टर आर द थ्री टर्मिनल ऑफ अ बाईपोलर ट्रांजिस्टर आर एमीटर कलेक्टर एंड बेस, एमीटर कलेक्टर एंड गेट, कलेक्टर कलेक्टर गेट एंड बेस, या फिर ड्रेन एमीटर एंड बेस। राइट आंसर इज एमीटर कलेक्टर एंड बेस। क्वेश्चन नंबर 68। द फॉरवर्ड वाइज वोल्टेज फॉर सिलिकॉन डायोड इज। तो सिलिकॉन डायोड के लिए फॉरवर्ड वोल्टेज कितना होता है? 0.7 वोल्ट, 0.7 वोल्ट। और जर्मेनियम के लिए कितना होता है? 0.3 वोल्ट। तो सही आंसर हमारा इसके लिए सिलिकॉन के लिए क्या है? 0.7 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 69। हाउ मैनी लेयर्स डज अ थायरिस्टर हैव? हाउ मैनी लेयर्स डज अ थायरिस्टर हैव? थायरिस्टर में कितनी लेयर होती है दोस्तों? तो अब मैं आपको बता दूं थायरिस्टर कैसे बनता है। एन पी एन पी, ठीक है? तो इस तरीके से एक थायरिस्टर बनता है, इसको हम एससीआर फैमिली भी बोलते हैं, थायरिस्टर फैमिली भी बोलते हैं। तो इसमें कितनी लेयर है? 4 लेयर हैं। कितनी लेयर हैं दोस्तों? 4 लेयर हैं, ठीक है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 4। क्वेश्चन नंबर 70। द प्रोसेस बाय विच इम्प्योरिटीज आर एडेड टू अ प्योर सेमी कंडक्टर डिफ्यूजिंग, डोपिंग, ड्रिफ्ट एंड मिक्सिंग। तो राइट आंसर इज डोपिंग। इसको क्या बोलते हैं हम? ड्रोपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है, द टूथ और स्लॉट हार्मोनिक्स इन एन इंडक्शन मोटर इज कॉज्ड ड्यू टू वेरिएशन ऑफ एयर गैप रिएक्टेंस, रिलक्टेंस, लीकेज फ्लक्स, नॉन साइनसोइडल नेचर ऑफ इनपुट वोल्टेज, स्क्विंग इन द रोटर स्लॉट। राइट आंसर इज वेरिएशन ऑफ एयर गैप रिलक्टेंस। क्वेश्चन नंबर 72। एन एस सी आर हैज डस पी एन जंक्शन। एस सी आर में कितने पी एन जंक्शन होते हैं दोस्तों? अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से बता दूं, पी एन जंक्शन, सॉरी, एस सी आर का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है? पी एन पी एन। तो इसमें पी एन जंक्शन कितना होगा? 1 2 3, 1 2 3। तो कितना आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन बी एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73। अ सी आर टी स्क्रीन इज कोटेड विथ। सी आर टी स्क्रीन किससे कोटेड होती है? सोडियम से, कैल्शियम से, फॉस्फर से, या फिर
एल्यूमिनियम ऑक्साइड से। तो ये किससे कोटेड होती है, ये होती है फॉस्फर से। फॉस्फर क्या करता है दोस्तों, ये फॉस्फर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है उसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 74, हाउ द कैथोड ऑफ अ जीनर डायोड इज रिप्रेजेंटेड इन इट्स सिंबल। तो जीनर डायोड में जो कैथोड हो रहा होता है वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है दोस्तों। जीनर डायोड का सिंबल आपने देखा हो, ऐसे होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें आप देख सकते हैं, तो जो ये क्या होता है कैथोड, ये होता है एनोड। तो कैथोड किससे शो करते हैं हम, जेड से, द लेटर जेड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, फोटो डायोड कैन टर्न इट्स करेंट ऑन एंड ऑफ इन। जो फोटो डायोड होते हैं वो करंट को टर्न ऑन एंड ऑफ कितने समय में कर देते हैं, मिली सेकेंड में, माइक्रो सेकेंड में, नैनो सेकेंड में, या फिर सेकेंड में। तो राइट आंसर इज नैनो सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ डाइपोलर, सॉरी डीपोलराइज, डीपोलराइजर इन अ ड्राई सेल। कार्बन पाउडर, मैंगनीज डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, या फिर जिंक क्लोराइड। राइट राइट आंसर इज मैंगनीज डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 क्या है, क्रीपिंग इज ऑब्जर्व इन एनर्जी मीटर, वोल्ट मीटर, अमीटर, या फिर हाइड्रोमीटर। राइट आंसर इज एनर्जी मीटर। क्वेश्चन नंबर 78, इन सर्किट ब्रेकर द आर्किंग कॉन्टैक्ट आर मेड ऑफ पोर्सलिन, कॉपर टंगस्टन एलॉय, एल्यूमिनियम एलॉय, या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक कॉपर। राइट आंसर इज कॉपर टंगस्टन एलॉय। क्वेश्चन नंबर 79, इफ अ वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ओम देन इट्स कंडक्टेंस बिल। तो कंडक्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/r। तो इसमें क्या आ जाएगा, 2 सीमेंस। राइट आंसर इज 2 सीमेंस। क्वेश्चन नंबर 80 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, अ पैरेलल सर्किट इज दैट इट हैज ऑल एलिमेंट कनेक्ट एंड टू एंड सम सेम करंट फ्लो फ्लोइंग थ्रू ऑल द एलिमेंट। दोस्तों ये तो दोनों सीरीज में कंडीशन फुलफिल होती हैं, ऑल एलिमेंट करंट अक्रॉस पावर सप्लाई, या फिर ऑल एलिमेंट प्लेस साइड बाई साइड। तो दोस्तों ये तो हो ही नहीं सकता है, प्लेस करने से कुछ नहीं होता, कनेक्ट भी होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें सही आंसर क्या हो जाए, ऑल एलिमेंट कनेक्ट अक्रॉस पावर सप्लाई। तो दोस्तों ये थे 80 क्वेश्चन। आई होप ये पार्ट आपको समझ में आया होगा, इसमें हमने 40 क्वेश्चन कवर किए हैं। और दोस्तों यदि आपने फर्स्ट पार्ट एक बार फिर से नहीं देखा है तो मैं आपको फिर से बोल दूँ, आप वो ज़रूर देखिए। और हिंदी में भी दोस्तों क्वेश्चन है, यदि आप चाहेंगे कि हिंदी में भी हम ये क्वेश्चन लेके आए तो हम आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको रिस्पॉन्स करना होगा, कमेंट करके बताना होगा कि आपको हिंदी में चाहते हैं या नहीं चाहते हैं दोस्तों। तो हिंदी में भी क्वेश्चन है हमारे पास उपलब्ध है, हम उसमें भी ला सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, यदि पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर ज़रूर करिए दोस्तों, और यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए PKR टेक क्लासेस को, क्योंकि दोस्तों यदि आप ऐसे और वो वीडियो चाहते हैं तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन पर भी क्लिक करना पड़ेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।